नमस्कार दोस्तों, गाइस आपने सुना होगा रॉड वालर के बारे में और जर्मन शेफर्ड ब्रीड के बारे में। मैं आपको आज दिखाऊंगा, मेरे एक भैया जी हैं जिनका नाम पवन है, मैं आपको आज दिखाऊंगा उनके पास की हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब मिक्स ब्रीड, क्योंकि एक रॉड वायलर और जर्मन शेफर्ड का मिक्स है और जिसको हम शेफ वायलर कहते हैं। तो आज भैया से उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे, किस प्रकार के प्रिकॉशन, कैसे उसको हम रख सकते हैं, ये सारे बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं भैया से। ये भैया का डॉग है जिसका नाम है शेरू। तो भैया का ये डॉग है जिसको आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा कम हिलूंगा क्योंकि थोड़ा सा मैं घबराया हुआ भी हूँ, फर्स्ट टाइम शेरू से मिल रहा हूँ। भैया के पास ये ब्रीड है, भैया से ही पूछेंगे इसके बारे में किस प्रकार की ये ब्रीड है और किस तरीके के प्रिकॉशन हमको लेने पड़ते हैं इस तरीके की ब्रीड को। तो मैं भैया से पहले पूछना चाहूँगा कि भैया, इस ब्रीड को आप कहाँ से लेके आए और आपने क्यों शेफ वाइलर ही चूज़ किया, रॉड वाइलर और जर्मन शेफर्ड को ना लेकर? देखो, एक्चुअल मैं जर्मन शेफर्ड ही पालना चाहता था। अच्छा, बट हुआ क्या, मेरे को डॉग की नॉलेज नहीं थी ज़्यादा, तो मैं एक बंदे के पास गया, तो उसने मुझे, मैंने उस पर जर्मन शेफर्ड की डिमांड की, तो उसने मुझे ये दिया। तो उस टाइम इतना सा था, आपको पता नहीं चला? हाँ, आई थिंक 45 या 50 डेज का, तो मुझे आइडिया नहीं था। तो मैंने एक दो बंदों को दिखाया इसको, कह रहे बहुत अच्छा डॉग है। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो अलग ही निकल के आता गया। ओके, सच्चाई बताऊँ जो मैं देख पा रहा हूँ उसके कलर वगैरह का कॉम्बिनेशन सारा, ये जर्मन शेफर्ड का ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं रॉड वाले की इसमें झलक है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उस बंदे से पूछा बाद में जाकर के, 3 महीने का हुआ है, कि इसमें ऐसा क्या है, क्यों? वो जर्मन शेफर्ड थी और उसका फादर वो रॉड वाले था। ओके, लेकिन आपको नहीं पता था ये एक तरह से आपके साथ, इसको धोखा कह सकता हूँ? हाँ, धोखा कह सकते हैं। क्या आप इस ब्रीड को लेकर के बाद में खुश हैं? नहीं, अब तो खुश हैं। आप लेकर के आए आज, जो आपके पास रिजल्ट इसका आपने देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गूगल पर चेक किया था, इसको एक ब्रीड को नाम भी दिया गया है पर्टिकुलर। कुछ लोगों की ये डिमांड रहती है कि उनको लॉयल्टी के लिए जर्मन शेफर्ड एक बहुत अच्छा फैमिली डॉग है और रॉड वाइलर एक बहुत अच्छा गार्डिंग डॉग है, तो दोनों का मिक्स लेकर के वो इसको शेफ वाइलर कहते हैं और कई लोग इसको ब्रीड करते हैं डिमांड के ऊपर। इंडिया के अंदर शायद ऐसा नहीं होता होगा। अभी भैया, इसको जैसे कि घर के अंदर आप रखते हैं तो इसको आपको बांध के रखना पड़ता है या घर के जो मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स, उनके साथ ये काफ़ी काम रहता है, कूल रहता है? कूल रहता है, हम इसे खुले ही रखते हैं। वैसे ये खुला, अगर हमने इसको बांधना स्टार्ट किया तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये एक कहते हैं ना कि ट्रस्ट और भरोसा, मैं कहूँगा वो चीज़ इस पर नहीं है। अच्छा, मैं इसका ओनर हूँ, जब उसका दिमाग ख़राब होता है, ऐसे एग्रेसिव होता है, तो मुझे भी काट जाता है। ओके, तो जैसे कि अगर हम इस समय हम पास में खड़े हुए हैं तो हम, मतलब हम भी खतरे में हैं कहीं ना कहीं? अगर हाँ, खतरे में मैं खड़ा हूँ तो नहीं हूँ आप। ओके, लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं अगर होता नहीं और आप अंदर एंट्री करते तो आप निश्चित खतरे में। बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल। कोई बददिमागी होगा तो घर के अंदर घुसना। आप जैसे, मैं आपके साथ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इधर हो गया तो हो सकता है आप पर अटैक कर दे। ओके, तो भैया ये जो ब्रीड है, ये इसका क्या प्राइस रहता है? आपने इसको आपने खरीदा था, ये आपके पास गिफ्टेड था, किस तरीके से? मैंने इसको खरीदा था। अच्छा, लेकिन मैंने इसको जर्मन शेफर्ड समझ के खरीदा था। ओके, तो मुझे उस बंदे ने इसको दिया था 8,000 का। ओके, ठीक है ना। उसके बाद मुझे खुद नहीं पता इसका एक्चुअल प्राइस क्या है, क्या होना चाहिए। अच्छा, ठीक है भैया। नॉर्मली इसकी जो आप ट्रेनिंग वगैरह करते हो, क्योंकि जिस प्रकार से इसका साइज़ है वो दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं एक अच्छी एक्सरसाइज का नतीजा है। बिल्कुल, तो आप इसको क्या एक्सरसाइज कराते हैं, थोड़ा शेड्यूल के बारे में बताइए, क्या क्या ज़रूरी है इसकी? मैं बताता हूँ, उसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है, इसका बॉडी गिफ्टेड है जो कुछ है। ओके, इसकी शेप साइज ऐसे ही है। ओके, तो मैंने कभी एक्सरसाइज नहीं कराई, पर घर में इतना गार्डन है, इसी में घूमता रहता है, रनिंग हो जाती है, इसकी एक्सरसाइज हो जाती है, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं कराना। ओके, और डाइट इसकी बहुत कम है मेरे अकॉर्डिंग, शायद जर्मन शेफर्ड, रॉड वाइलर, किसी भी जो ब्रीड है, अच्छी ब्रीड, किसी भी डॉग की डाइट उससे कम नहीं होगी, ज़्यादा ही होगी, इसकी सबसे कम डाइट है। अच्छा, केवल सुबह एक गिलास दूध पीता है और दूध आप देते हैं? एक गिलास दूध, और दिन में शाम को करीब पेडिग्री खाता है एक कटोरी, उसके बाद नाइट के टाइम में 2 अंडे और 4 रोटियाँ, बस ये डाइट है। इस डाइट के हिसाब से पावर इस टाइम बहुत अच्छी है। नहीं, जिस प्रकार से उसका साइज और उसका वो सब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वाकई में जो उसकी ताकत इसके अंदर है, वो इस हिसाब से जो डाइट आप बता रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा खाने वाले डॉग की ऐसी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसकी डाइट कुछ भी नहीं है। कभी ऐसा कोई इंसिडेंट इसने किया जो आपको अच्छा लगा हो, किसी के ऊपर अटैक वगैरह कुछ? हाँ, मैं आपको बता एक बार की कहानी। आज से 2 साल पहले मेरी शादी हुई थी, तो मैं अपनी शादी में लेटा हुआ था, अपने
रिलेटिव के साथ में। हाँ तो ये भी मेरे बगल में था। अब उस टाइम क्या है, घर में काफ़ी बंदे गैदरिंग थी तो उसको बांध के रखना पड़ रहा था, तो बांधने से अग्रेसिव हो गया मुझे पता नहीं क्यों बांधे हुए। तो मेरे पैरों में सो रहा था, मैंने अचानक इसके ऊपर पैर रखा, उसको पता नहीं क्यों मेरे पैर में था। तो वो मतलब एक ऐसा वो तो इंसिडेंट वैसे मेरे ख्याल से अनइंटेंशनली हुआ होगा, उसने शायद चार करके नहीं किया होगा, अनइंटेंशनली हुआ था ये। हाँ गलती से हो गया होगा। और कि आपके हिसाब से भैया चलिए मुझे ये बता दीजिए, आपके इस तरह की ब्रीड को क्या एक्सरसाइज की ज़रूरत है? आपने तो कह दिया चलो आपके पास गार्डन है, क्या ये उस घर के लिए भी ठीक है जिस घर में गार्डन नहीं है, या इसके लिए एक सर्टन स्पेस होना चाहिए? बेस्ट है, अगर आपके घर में बिल्कुल स्पेस नहीं है बेस्ट है, इसको कोई एक्सरसाइज की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा मतलब इतना बड़ा जॉइंट होने के बावजूद भी इसका सही कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं है। ओके और जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने बोला कि ये मुझे भी काट जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर हम इसको शुरू से ट्रेनिंग देंगे तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, अगर इसको प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रॉपर कहते हैं सोशलाइज किया जाए बंदों, एग्जैक्टली लोगों से मिलवाना, बाहर ले जाना दूसरे कुत्तों के पास आसपास। लेकिन हमारा स्टार्टिंग वगैरह कोई ट्रेनिंग नहीं, बस उठ जा बैठ जा इधर उधर जा, घर में एक तरह से छोटा मोटा ट्रेन कर दिया और बचपन से हमारी आदत रही इसको कि हम पारे ऊपर भौंके। अच्छा ठीक है, क्योंकि बचपन में सीधा था तो टीज करना, उस वजह से भौंकना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे उससे इतना एग्रेसिव हो गया कि कई बार तो रोकता है तो रुकता नहीं है, और कई बार हम बोलते हैं अटैक करने के लिए तो करता नहीं है, तो करता नहीं है, और कर देगा तो फिर हमसे भी नहीं रुकता रुकता नहीं है। ये बड़ी ब्रीड्स की भैया ये हमेशा रहती है दिक्कत, क्योंकि ये खुद का डिसीजन खुद लेती है। तो एक तो होती है छोटी ब्रीड जिनको हम डोर बैल बोलते हैं, वो क्या है थोड़ा सा आपका इंतजार करेंगे, आप आगे बढ़ोगे तो वो बढ़ेगी। ये ब्रीड्स आपके ऊपर या किसी के ऊपर, घर के या किसी बच्चे पर, अगर इसको फील होगा तो ये खुद ही डिसीजन ले लेती है। और कभी कभी ओनर्स भी, मैंने कई वीडियोज देखी हैं जिसमें ओनर्स भी बस मारते रहते हैं, ये छोड़ते नहीं। तो भैया जैसे कि आपने मुझे इसकी ट्रेनिंग के बारे में बताया, आपने मुझे इसकी या इसका जो जैसे कि एक डॉग है उसकी मेटिंग भी बहुत कहीं ना कहीं ज़रूरी रहती है, तो आपको लगता है कि ये मेट करने के लिए इसको कोई आपको परेशानी आती है, या आप किसी भी डॉग के साथ इसको मेट कराते हैं? क्योंकि इसकी रॉटवाइलर और जर्मन शेफर्ड ढूंढना तो मेरे ख्याल से एक तरह से इम्पॉसिबल ही है, बहुत मुश्किल है, लोग देख मतलब मिलना ही मुश्किल है। अब तक इसे 5 साल हुए हैं और 5 साल में 3 बार मीटिंग कराई। तो आपने कौन से डॉग के साथ इसकी मीटिंग कराई? एक बार रॉटवाइलर, एक बार जर्मन शेफर्ड और फिर से वापस जर्मन शेफर्ड। तो सारा लोकल लेवल मतलब आपने इधर ही अपने इधर ही, और जो आप उसका जो रिजल्ट निकल गया है वो बच्चे वो बच्चे थे वो एक फीमेल के तो सारे खत्म हो गए थे, उसमें प्रॉब्लम ही ऐसी थी इसके उन्हें ऐसा करना, जिस रॉटवाइलर से कराए उसके सारे रॉटवाइलर के ऊपर ही गए माँ के ऊपर। अच्छा जर्मन शेफर्ड से कराई थी उसके पिल्ले कुछ गड़बड़ हो गए, क्योंकि जर्मन शेफर्ड के कान खड़े होते हैं ना, बिल्कुल उनका सारा लुक तो आया पर कान खड़े नहीं हुए उनके। ओके वहाँ दिक्कत आ गई। ये टेम्परमेंट के बारे में इससे थोड़ा बताइए, व्यवहार किस प्रकार का? मैंने कहा ना इसका व्यवहार जो है एग्रेसिव ही है, अगर इसमें जरा भी छेड़ेंगे टीज करेंगे तो एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेसिव हो गया तो काट भी जाता है, रोकने से भी नहीं रुकता जब तक ये दांत लगा नहीं देगा, जब तक मानेगा नहीं। तो और नॉर्मली है, खुला है, नॉर्मली हम नॉर्मल व्यवहार कर रहे हैं तो कुछ नहीं कहेगा, जैसे आप लोग मेरे साथ खड़े कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि अगर हम शुरू से इसको अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, सोशलाइज जैसे आपने कहा सामाजिक करते हैं, बिल्कुल, और घुमाने फिराने ले जाते हैं, तो ये एक नॉर्मल डॉग की ज़िंदगी आराम से, कोई अग्रेसिविटी का टैग इसके ऊपर नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से रह सकता है। बाकी वेदर के मामले में क्या कहना चाहेंगे भैया, मौसम इसको किस प्रकार का पसंद है, गर्मी या सर्दी में दोनों में कम्फर्ट ही रहता है, पंखे से काम चल जाता है? अब इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि कैसा क्या है, हमने इसको जैसा डाला है ना ओके वैसा हुआ, एसी लगा हुआ है, मेन एसी के लिए लगा हुआ। ओके तो आप इसको एसी में रखते हैं? छोटा था जब से उसे एसी की आदत थी, फिर एसी खराब हो गया तो वापस से इसके लिए लेना पड़ा। ओके क्योंकि उसे हैबिट ऐसी हो गई थी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसी हैबिट अगर कोई दूसरा होता या यही होता, इसको स्टार्टिंग से अगर नॉर्मल हैबिट होती ना तो नॉर्मल भी है, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी पावर है ना और डॉग से बहुत अच्छी है। मैंने देखा जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर, लैब्राडोर वगैरह बीमार होते हैं ज़्यादातर, इसे आज तक कोई बीमारी कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं, एक हाथ बार वॉमिटिंग वगैरह से हुई थी तो मैं लैब्राडोर ठीक हो गया, बाकी रफ एंड टफ डॉग बोल सकते हैं। रफ एंड टफ मतलब कोई ऐसी परेशानी वाला, कोई ऐसा दिक्कत देने वाला, बीमार होने वाला, छोटी छोटी बातों पर कहते हैं। तो भैया ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद इसकी जानकारी देने के लिए, और मैं लोगों को इसके बारे में बताना चाहूँगा तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। भैया ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें लोगों को जो हाइब्रिड पालते हैं, किस प्रकार की उनको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस प्रकार से उनको इस ब्रीड का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये यूनिक ब्रीड हो गई, ये ना तो रॉटवाइलर है ना ये जर्मन शेफर्ड है, ये यूनिक है, तो ऐसी कोई चीज़ आप बताना चाहें अगर लोगों को तो प्लीज़ आप अपना अनुभव शेयर करना चाहें। ठीक है, मैं बस यही कहना चाहूँगा इसको बचपन से जब पालो तो प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ओके जिससे कि अपन इसको जैसा अपन माहौल में चाहते हैं वैसा इसको ढाल सकें। ठीक है, और कुत्ते को एग्रेसिव बनाना और पोलाइट बनाना
जिस तरह के भी आपको बनाना है वो हमारे हाथ में होता है, उसका जो पेरेंट है उसके हाथ में। हाँ हाँ, तो वो चीज़ ज़रूरी है, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना। और मैं यही कहूँगा, इस डॉग को ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखें, आप जितना बांधोगे उतना एग्रेसिव हो जाएगा, फिर कंट्रोल में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। गाइस, आपने देखा भैया ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है इस डॉग के बारे में। मैं माफ़ी चाहूँगा इसको डॉग कॉल करने के लिए, इस बच्चे के बारे में, क्योंकि भैया उसके पेरेंट्स और सबका ही एक बच्चे जैसा प्रेम हो ही जाता है अपने जानवर से। और ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके काम आए, क्योंकि हाइब्रिड पालना इट्स नॉट ए ईजी, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद हाइब्रिड्स, बिकॉज क्योंकि ये इसके अंदर मिक्स है जर्मन शेफर्ड की सारी क्वालिटीज़, जर्मन शेफर्ड की सारी जो इंटेलिजेंस है वो, और रॉटवाइलर का जो ताकत और मस्कुलर जो वो डॉग रॉटवाइलर है उसकी सारी ताकत इसके अंदर मौजूद है। इसको संभालना, इसको सब कुछ, इसको संभालना, इसको अपने पास रखना एक बहुत छोटा डिसीजन नहीं है। कभी भी आप अगर हाइब्रिड के लिए जा रहे हैं तो सोच समझ के डिसीजन लें कि आपके पास प्रॉपर स्पेस है कि नहीं, कि आपके पास प्रॉपर टाइम है कि नहीं उसको देने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं उसके फ्यूचर के लिए और आपका और उसके साथ में एक अच्छी बाउंडिंग, एक अच्छा रिलेशन बनने के लिए। तो ये था हमारा शेरू, जिसका नाम बहुत प्यारा है, शेरू। शेरू नाम हमारे देश में बहुत चलता है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।